लोहिया स्वच्छता अभियान दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को कांटी प्रखंड के बहुहारा पंचायत में ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति, मुखिया शबनम खातून सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लोगों को लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके तहत घर घर जाकर कचरा का उठाव किया जाना है। पंचायत के सभी वार्डों के घरों में दो डस्टबिन दी जाएगी, एक गीला कचरा जबकि दूसरे में सूखा कचरा रखा जाना है। कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया और सभी जनप्रतिनिधि के द्वारा हरी झंडी दिखाकर ठेला को रवाना किया गया। इस मौके पर मुखिया संघ के अध्यक्ष कुमारी याचना, पूर्व मुखिया सुदर्शन मिश्र, जदयू जिला महासचिव सह पूर्व मुखिया अनवारुल हक आजाद, कांटी थाना अध्यक्ष अरविंद प्रसाद, जदयू प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह, जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 19 रानी कुमारी, मुखिया ज्ञान कौशिक उर्फ होरिल, जदयू नेता इरफान दिलकश, मुखिया जनकदेव सहनी केवल देवी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज ई रिक्शा और ठेला का वितरण किया गया है और डस्टबिन का भी वितरण आज ही कर दिया गया है। सुबह में ही आज कल से यहाँ कचरा का उठाव होगा और जहाँ WPU बन रहा है वहाँ पर कचरे का निस्तारण होगा। उसका जनता से ये अपील है कि 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कचरा उठाव करने वाले कर्मी को स्वच्छता पर्यवेक्षक के माध्यम से देंगे और घर से अपना कचरा, जो स्वच्छाग्रही कचरा उठाने जाएगा उनको देना है। वो WPU पर लेके आएंगे, वहाँ पर उसका प्रसंस्करण होगा और जनता यही है कि प्रत्येक दिन 1 रुपये दे और इसे देती है तो योजना में जो है कार्यकलाप सही रहेगा। सभी जगह बिहार सरकार के द्वारा राशि अविलंब भेजी जा रही है, सभी पंचायतों में काम यथाशीघ्र शुरू हो जाएगा। ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है और इसमें लाभार्थित हमारे जनता भी होंगे और हमारे बीच के लोग ही उसमें इम्प्लाई बनेंगे, जिससे सरकार का ये लाभ होगा, सरकार को लाभ होगा कि सफाई अभियान चल रहा है, प्लस हमारे जनता को भी लाभ होगा। हम ये चाहेंगे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का योजना चले और सफाई जब होना शुरू हो जाएगा तो सबसे बड़ा वो दवाई का काम करेगा हमारे क्षेत्र में। ये हमारे वार्ड में 14 वार्ड में चलेगा। आज हम ई रिक्शा का वितरण किया है, ठेला का वितरण किया, ई रिक्शा भी है और डस्टबिन भी मेरे पास उपलब्ध है। हम 2 से 4 दिन में, अभी वार्ड मेंबर हमारे व्यस्त हैं, वार्ड मेंबर दशहरा के बाद सभी वार्ड में हम अपना डस्टबिन बांट देंगे हर घर को। लोगों से अपील करना ये चाह रहे हैं कि हमारी मदद करें और WP बनाने में जो ऑब्जेक्शन आप लोग कर रहे हैं उस ऑब्जेक्शन को न करें और WP बनाने का काम करने दें। बहुत अच्छी पहल है, अच्छी पहल है सफाई और साथ साथ बेरोजगारी दूर करना। कम से कम पंचायत में ड्राइवर और ठेला रिक्शा लेके अभी 17 लोग इसे लाभ उठाएंगे, इसके बाद में 14 और बनेंगे, 31 से 32 लोगों को लाभ मिलेगा। मेरा नाम हुआ अनवारुल हक आज़ाद, जदयू जिला महासचिव, पूर्व मुखिया। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।